फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लीन एंड ड्राई का इंटीमेट वॉश का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अगर आप किसी अदर प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं मैं बनाऊं, सो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो आज हम जो रिव्यू देने वाले हैं वो है क्लीन एंड ड्राई का इंटीमेट वॉश। सो ये वीडियो वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर है, इसको अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो इंटीमेट वॉश बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले तो सो इंटीमेट वॉश को इसलिए यूज़ किया जाता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइक अगर आपको इचिंग हो रही है, आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको रैशेज हो रहे हैं, इस तरीके की आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको किसी तरीके के इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप इंटीमेट वॉश को यूज़ करते हैं इंटीमेट एरिया पर। सो ये वाला जो क्लीन एंड ड्राई का इंटीमेट वॉश है मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा है इसे। सो वैसे तो फ्रेंड्स मार्केट में बहुत सारे इंटीमेट वॉश आपको अवेलेबल होते हैं, बट ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने 2-3 इंटीमेट वॉश मैं और भी यूज़ कर चुकी हूँ, बट ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी इसे यूज़ करिए। इसको यूज़ करने के बाद डेफिनेटली मुझे ईचिंग, रैशेज, वाइट डिस्चार्ज सब कुछ मुझे काफ़ी बैलेंस्ड लगा। आपके पीएच लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर देता है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी के बारे में और ये कितना है। सो मेरे पास ये वाला है कि है 90 ml इसकी क्वांटिटी है, आपको मैं दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स 90 ml इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, एंड 189 rupees का ये आपको मिलता है। एंड इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स ये एक सोपी टेक्सचर पे होता है, मतलब ये सोपी टेक्सचर होता है इसका बहुत, तो आपको इसकी कुछ ड्रॉप्स लेनी है और इसको अपने इंटीमेट एरिया पे रब करके, आउटर एरिया पे रब करके वाटर से वॉश कर लेना है। सो इसको यूज़ क्यों किया जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता भी देती हूँ आपको। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। ईचिंग, ओडर, स्किन डार्कनिंग, इरीटेशन, रैशेज और ड्राइनेस। फ्रेंड्स आपको इंटीमेट वॉश ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आप हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं आपके इंटीमेट एरिया की तो। ओके, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी, एंड ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मुझे इससे रेटिंग देना है तो मैं इसे 4 star out of 5 star दूँगी, बिकॉज फ्रेंड्स इसमें ऐसा है कि जैसे अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे, मैंने इसको रेगुलरली यूज़ किया तो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स काफ़ी मतलब रिलैक्स मिला, बट जैसे आप इसे यूज़ करना बंद कर देंगे 2-3 दिन, सो फिर आपको क्या होगा, वापस से वो इचिंग रैशेज फिर से होने लगेंगे। सो आपको रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा इसे, एंड मुझे पसंद आया तो मैं 4 star दूंगी। 4 star भी एक बुरी रेटिंग नहीं है, इट्स वेरी गुड, एंड आप ज़रूर ट्राई करिए इसे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।